आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। आम आदमी पार्टी द्वारा बिहार के प्रवासी मजदूरों की सकुशल घर वापसी की मांग को लेकर बेगूसराय जिला कार्यालय पर शारीरिक दूरी बनाते हुए जिला अध्यक्ष मोहम्मद सैफी के नेतृत्व में एक दिवसीय उपवास दिया गया। मौके पर प्रदेश वरीय उपाध्यक्ष अंगेश सिंह ने कहा कि बिहार की डबल इंजन की सरकार इस कोरोना के कालखंड में मजदूरों की सकुशल घर वापसी, स्वास्थ्य सेवा एवं गरीबों को अनाज देने के मामले में पूरी तरह से फेल है। स्वास्थ्य सेवा में बिहार में पूरी तरह चौपट हो गई है। जिला संगठन सचिव अभिषेक जायसवाल ने कहा कि बेगूसराय की जनता ने गिरिराज सिंह को अपार बहुमत से जिताकर सांसद बनाया, लेकिन कोरोना के विषम काल में सांसद महोदय लापता हो गए। राहत कार्य के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति एवं घोटाला हो रखा है। जनता त्राहिमाम कर रही है। बिहार के बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। इस धरना के माध्यम से सरकार से क्या मांग रखी गई है? आम आदमी पार्टी के द्वारा ये मांग की जा रही है कि हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं, जो जगह जगह पर फंसे हुए हैं कई स्टेट में, उनको सुरक्षित बिहार वापस भेजा जाए और इसकी सारी व्यवस्था की जाए। जिसकी जो जाना मालूम हो रहा है कि बिहार सरकार के द्वारा प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है कि वो आने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। जो हमारे मजदूर और छात्र आए हैं उनको भी क्वारंटाइन में सही सुविधा उपलब्ध नहीं है, ना खाने की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना सफाई की व्यवस्था है, जिस कारण हमारे मजदूर और छात्र क्वारंटाइन सेंटर से भाग रहे हैं। जैसा कि कोरोना का संकट चल रहा है और कोरोना से अगर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पीड़ित कोई है तो प्रवासी मजदूर है, जो कि बिहार से ज़्यादा संबंधित है। आम आदमी पार्टी ने प्रवासी मजदूरों का दिल्ली में जो ख्याल रखा है, उनके रहने खाने की व्यवस्था करवाई है, लेकिन इस बीच में उनका रोज़गार छिन गया है तो वो प्रवासी मजदूर अपने घर लौटना चाहते हैं और उनके लिए आम आदमी पार्टी ने ट्रेन की सुविधा करवा दी है। उनका किराया भाड़ा पूरा आम आदमी पार्टी और दिल्ली की सरकार दे रही है, लेकिन नीतीश कुमार जी उनको बिहार आने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। जो ट्रेन दिल्ली से आने वाली है उनको आने की अनुमति नीतीश जी नहीं दे रहे हैं।